आपको इस आईसी का पिन आउट भी देने वाला हूँ, तो प्लीज दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर विजिट करिएगा, आपको वहाँ पर मेरी अदर वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे जिससे आप मेरे चैनल के और भी वीडियोस को देख सकते हो। तो बात करते हैं गाइज इसकी कनेक्शन की। तो सबसे पहले गाइज हमें इसके इनेबल इनपुट को बाईपास करना होगा, क्योंकि गाइज ये जो हमारी मदरबोर्ड की आईसी है, मेन आईसी, प्रोसेसर आईसी जिसे हम कहते हैं, तो दोस्तों ये शॉर्ट हो चुकी है। जब हमारी प्रोसेसर आईसी यहाँ से एक सिग्नल जनरेट करती है गाइज, जो कि हमारी इस आईसी में इनपुट होती है, उसके बाद ही गाइज हमारी यहाँ पर ऑडियो आउटपुट होती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों आप अगर कमेंट करते हैं गाइस तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में इसके इन्वर्टर को अलग से कैसे यूज कर सकते हैं हम, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो भाई जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये जो आईसी है गाइस, ये हमारी स्टीरियो आउटपुट करती है। तो सबसे पहले हम इसकी इनेबल को ही बाईपास करेंगे। तो इसमें गाइस एक शटडाउन नंबर की पिन होती है गाइस। दोस्तों ये जो आईसी है गाइस, इसे आप डायरेक्टली पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं गाइस, तो ये हमारी आईसी ऑन नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें शटडाउन पिन में इनेबल इनपुट देना पड़ता है, जो कि हमारी प्रोसेसर से आती है गाइस। तो गाइज यहाँ पे हम इस इनेबल इनपुट की सिग्नल को बाईपास करेंगे और यहाँ पर इस आईसी की शटडाउन पिन पर इनपुट करा देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इनेबल इनपुट की पिन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस आईसी का पिन आउट मैं आपको यहाँ पर शो करा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो गाइज हमारी फर्स्ट नंबर की पिन है गाइज, ये हमारी शटडाउन नंबर की पिन है, तो इसे हमें गाइज 3.3 वोल्ट इनपुट कराना है। तो यहाँ पे आप गाइज इसे डायरेक्टली 3.3 वोल्ट भी दे सकते हैं, या फिर गाइज आप यहां पर एक 10K की रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हो। तो यहां पे मैं 10K की एक रेजिस्टेंस को ले लेता हूं, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस रेजिस्टेंस को हमें कहां पे कनेक्ट करना है मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, और गाइज इसके साइड में ये जो हमारी फर्स्ट नंबर की पिन है गाइज, तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की एक लेग को कनेक्ट कर देना है और दूसरी लेग को गाइज हमें पॉजिटिव इनपुट के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा गाइज शॉर्ट की डायोड है, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट आउटपुट मिलती है, तो यहाँ से ही हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो भाइयों आप जो ये बोर्ड देख रहे हो गाइज, इसके अंदर जो SMPS है गाइज, ये हमारी वर्किंग में है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अलग से पावर सप्लाई इनपुट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम इस रेजिस्टेंस को इस आईसी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस 10K की रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों इसकी जो एक लेग है गाइज, इसे मैंने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो ये पॉजिटिव गाइज हमारे इसके साथ कनेक्टेड है। चलिए मैं आपको इसे मीटर से भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को ले लिया है, तो इसे हम कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, आप देख सकते हैं गाइज हमारा मीटर वर्क कर रहा है। दोस्तों अब हम इसकी पॉजिटिव लाइन को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रॉप को लगा देंगे गाइज इसकी डायोड पर, और दूसरे प्रॉप से गाइज हम इसे टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज ये बीप कर रहा है, इसका मतलब गाइज हमने इसे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद गाइज आप देख सकते हो ये जो हमारी रेजिस्टेंस है गाइज, इसका दूसरा लेग हमने इस आईसी के एक नंबर पिन के साथ कनेक्ट करा है, जहाँ पे आपको ये डॉट दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गाइज कि हमारी आईसी की पिन शॉर्ट ना हो। अब ये जो हमारी आईसी है गाइज, इसमें जब हम पावर इनपुट करेंगे तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगी। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम 12 वोल्ट इनपुट करते हैं, और उससे पहले गाइज यहाँ पे हम बैक साइड से स्पीकर के कनेक्शंस कर देंगे, क्योंकि इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं 2 5.25 इंचेस के स्पीकर का यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारे बूफर स्पीकर हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इस बोर्ड को टेस्ट करेंगे गाइज कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों स्पीकर के कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों स्पीकर के कनेक्शंस कर दिए हैं, और चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर पावर इनपुट करते हैं। तो दोस्तों पावर इनपुट करने के लिए यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे हम पॉजिटिव इनपुट करेंगे 12 वोल्ट, और निगेटिव को आप पूरे बोर्ड में कहीं पर भी ग्राउंड में कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम इनपुट करते हैं 12 वोल्ट डीसी को। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर लेफ्ट राइट चैनल की कनेक्शन करने हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने 12 वोल्ट की पावर सप्लाई ले ली है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हल्की सी नॉइज आ रही होगी स्पीकर में, यानी कि गाइज हमारा जो स्पीकर है वो ऑन हो चुका है और इसमें हमिंग की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है गाइज। तो चलिए दोस्तों इसकी पिन आउट में हम देख लेते हैं कि हमें L और R चैनल के कनेक्शन कहाँ पर करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शो करा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे हमारी जो 3 नंबर की पिन है गाइज, यहाँ पे हमें L या R किसी के कनेक्शन कर देने हैं।
इसके बाद दोस्तों जो हमारी 12 नंबर की पिन है, इसमें हमें गाइज एल या आर कोई भी एक चैनल के कनेक्शन कर देने हैं। तो गाइज ये हमारे लेफ्ट राइट चैनल के कनेक्शन हो गए। इसके बाद दोस्तों जो हमारा ग्राउंड वाला वायर होगा उसे हमें गाइज इस निगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है जिसमें हमने पावर सप्लाई के निगेटिव को कनेक्ट करा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमें एक ऑक्स केबल के कनेक्शन कर लेते हैं। तो मेरे पास एक 3.5 mm की ऑडियो केबल है तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो गाइज ये जो हमारी ब्लैक वाली वायर है ये हम ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। तो ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर इस कैपेसिटर के निगेटिव पॉइंट पर ही कनेक्ट कर दूंगा। तो जो हमारे एल और आर के कनेक्शन है गाइज इसे हमें कनेक्ट कर देना है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं गाइज तो यहाँ पे आपको दो रेजिस्टेंस दिख रही होंगी गाइज, ब्लैक वाली आप देख सकते हो। तो यहाँ पर एक साइड में हमारी ग्राउंड होती है गाइज और दूसरी साइड में इनेबल होती है। तो यहाँ पे आपको एल और आर के कनेक्शन दोनों रेजिस्टेंस में कर देने हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे टच करते हैं गाइज तो हमारे जो स्पीकर हैं इसमें आवाज़ आएगी। तो चलिए हम टेस्ट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी साइड ग्राउंड है तो यहाँ पे टच करने पे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम इसके अपोजिट साइड में टच करते हैं गाइज तो आप देख सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा गाइज ये हमारी ऑडियो इनपुट है। और इसके बाद हम यहाँ इस वाली रेजिस्टेंस पे चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाली रेजिस्टेंस पे भी हमारी ऑडियो इनपुट हो रही है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों रेजिस्टेंस पे हम अपने इनपुट के कनेक्शन कर देते हैं अपनी 3.5 mm ऑडियो केबल की। तो चलिए दोस्तों मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी ब्लैक वाली ग्राउंड वायर है गाइज इसे मैंने यहाँ पर कैपेसिटर की निगेटिव वाली पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों ये जो हमारी एक चैनल की इनपुट है इसे हमने इस रेजिस्टेंस के पास कनेक्ट कर दिया है इस साइड में। और जो हमारी दूसरी इनपुट है गाइज इसे हमने इस रेजिस्टेंस की दूसरी साइड पे कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कनेक्शंस। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर एक NCS सॉन्ग को प्ले करते हैं, नो कॉपीराइट सॉन्ग को, और इसके हम परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन ले लिया है तो इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम एक नो कॉपीराइट सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा कि ये जो हमारा एम्पलीफायर है गाइज ये बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बहुत ही अच्छी बेस भी दे रहा है गाइज, और बहुत ही अच्छी तरह से हमारे स्पीकर वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा गाइज कि कैसे हमने एक पुराने से LED TV के मदरबोर्ड का रीयूज़ करा है और बहुत ही अच्छा सा एक हैवी एम्पलीफायर बना दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करें जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी सबसे पहले वीडियोज़ को देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स, जय हिंद। Yeah.